रेलवे तंत्र द्वारा वेकेशन ने ध्यान में राखी यात्रियोंनी सुखाकारी में वधारो करवा बुकिंग सेंटरों पर शुरू करेल रजिस्टर प्रथा ने अभूतपूर्व प्रतिसाद सापड़ी रह्यो छे। वेस्टर्न रेलवे वडोदरा डिविजन द्वारा वेकेशन में टिकट बुकिंग माटे यात्रियोंनी बुकिंग सेंटरों पर आखी रात जागरण करव पड़तुं हतुं, जेमां एजेंटों दबदबो होई रेल यात्रियों ने मुश्किलों पड़ती हती। त्यारे आ वर्षे सीनियर डीसीएम प्रदीप बेनर्जीए रेल यात्रियोंनी सुविधा माटे दरेक मुख्य बुकिंग सेंटरों पर रजिस्टर सिस्टम मुकवामां आवी छे। रेलवेना अधिकारीओनी उपस्थितिमां मात्र 30 मुसाफरो माटे ज उपलब्ध करवामां आवी छे, जेने रेल यात्रियों द्वारा अभूतपूर्व प्रतिसाद सापड़ी रह्यो छे अने सौए सुविधाने वधावी लीधी हती। टाइमनो भोग आपवो पड़े, आपणे एक दिवस पहेला आपणे रजिस्ट्रेशन माटे आवुं पड़े, सेकंड डे पछी नॉर्मल ओपन खिड़की थाय लाइनमां आवीने टिकिट मळी रही। अत्यारे तो आज अत्यारे आ सिस्टम तो थोड़ी सारी है, क्या है कि हमें ज्यादा मारामारी नहीं करनी पड़ती है, और जो दलालों का काम है वो बंद हो गया है, जो बीच में फालतू में लोग घुसते थे वो बंद हो गया, तो ये अच्छा है, बढ़िया सिस्टम तो अच्छी है। पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जिस पैसेंजर को दो दिन लगातार जाना है तो अगर वो टिकट लेने के लिए अंदर गया पर फिर इस लाइन में उसका नंबर नहीं लगता है, तो ये इसके लिए कुछ तो सिस्टम और अलग करनी चाहिए यहाँ पे, है ना। देने दोनों दिन पैसेंजर को टिकट मिलना चाहिए, ये सिस्टम तो बहुत अच्छी है, सबको मिलता है टिकट, यानी जो एजेंट है रहते ना। नहीं नहीं ये तो बढ़िया, हमको तो बहुत अच्छा लगा ये, यानी जो रात भर दिन भर बैठना पड़ता था 24 घंटे यहाँ बैठते थे, तब ये दो घंटे में सब पूरा काम हो जाता है, तो बंद हो जाएगी ये तो। जे संदर्भ में सीनियर डीसीएम प्रदीप बेनर्जी विस्तृत माहिती आपी हती। वो बताया जाए कि पब्लिक को ये बताया जाए कि हमने एक नई सुविधा यहाँ दी है, जिसमें कि जो अग्रिम आरक्षण होता है 7 दिन पहले का, उसको मैं कालाबाजारी रोकने के लिए हमने एक नया सिस्टम चालू किया है, जिसमें हमने रजिस्टर रखा है हर पीआरएस में, हर रिजर्वेशन सेंटर में एक रजिस्टर है, जिसमें कि जो भी पब्लिक एक दिन पहले आके लाइन लगाती थी और रात भर बैठी रहती थी, उसमें उन्हें उनका नाम इंदराज करना पड़ेगा, उनकी आईडी दिखानी पड़ेगी, और अगले दिन अगर वो नहीं आते हैं तो जिसको भी भेज रहे हैं उसको उनकी आईडी ओरिजिनल के साथ भेजनी पड़ेगी। तो वो रजिस्टर हमने ऑलरेडी मेंटेन कर लिया है, इससे पब्लिक से हमको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि अभी जो है टाउट जो है वो अपना आईडी रोज का रोज ला नहीं सकता है, और अगर वो फेक आईडी लाएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर 8:30 बजे सुबह हर पीआरएस पे अवेलेबल रहते हैं, और उस रजिस्टर में करीब 20 से 25 नाम अगले दिन जिनका रिजर्वेशन एक नंबर दो नंबर आना है वो लिख लिया जाता है, और रजिस्टर को उसी दिन क्लोज कर देते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती। अभी तो जैसे देखिए हमने बरोडा में चारों ज्यादा सख्ती हमने चारों बरोडा के सेंटर्स में करी है, और यही चीज हम एक्सटेंड कर देंगे, अभी आगे बढ़ा देंगे दूर के, जैसे पीआरएस सेंटर है, नडियाद है, आनंद है, राजपिपला है, जहां दूर बुडैली है, इस जगह भी सब जगह रजिस्टर सिस्टम जब हम इम्प्रूव कर देंगे तो ये टाउट वाला सिस्टम बहुत 99% खत्म हो जाएगा, इसमें पूरे हमारा अंकुश रहेगा।